आज है वर्ल्ड नेचर डे। सुहाना मौसम, प्रकृति का नज़ारा और खुश रंग, दुनिया का ये सारा नज़ारा। बिल्कुल, प्रकृति जो होती है ना सिमरन, वो ना हमारी माँ की तरह होती है, जिन्हें हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारी सारी ज़रूरतों को समझती है। और प्रकृति का तो वैसे भी हर रंग खूबसूरत है, फिर चाहे हम बात करें हसीन वादियों की, ठंडी ठंडी हवाओं की, या फिर नीले नीले आसमान की। बिल्कुल रतिका, और कुदरत की ना खूबसूरती ही बहुत है हमें ताजगी से भरने के लिए। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और वर्ल्ड नेचर डे पर ये शानदार रिपोर्ट देखते हैं। प्रकृति यानी नेचर, नेचर ने हमें क्या कुछ नहीं दिया। भौगोलिक संरचना हो या मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी हो या सागर, सब कुछ समाया है इस प्रकृति में। प्रकृति और मनुष्य के बीच बहुत गहरा नाता है। मनुष्य के लिए धरती घर का आंगन है और आसमान छत, सागर और नदियां पानी के मटके हैं, तो पेड़ पौधे आहार के साधन और सूरज चांद और तारे दीपक हैं। लेकिन हम प्रकृति के इन अनुपम उपहारों को संरक्षित करने में चूक रहे हैं। आज यानी 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस है। जलवायु परिवर्तन, उसकी चुनौतियों और प्रकृति के महत्व के साथ संरक्षण के बारे में जागरूकता के लिए हर साल 3 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस मनाने की शुरुआत विश्व प्रकृति संगठन वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। ये संगठन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करता है। प्रकृति हमारी सभी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है, किंतु स्वयं अपनी चीजों का उपभोग नहीं करती। जल, जंगल और जमीन मनुष्य के जीवन के आधार हैं। मन को मोह लेने वाली हरी भरी वसुंधरा का सौंदर्य कम हो रहा है, क्योंकि आधुनिकीकरण और विकास के नाम पर प्रकृति को नष्ट किया जा रहा है। इसी के कारण प्रकृति का प्रकोप भी बढ़ रहा है। ऐसे में समय रहते सभी को संभलना होगा। धरती और प्रकृति को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने, पानी बचाने, जल, पहाड़, जंगल, नदियों को संरक्षित करने, प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं को जीवन से दूर करने पर जोर देना होगा। ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को समझते हुए सबको एक साथ आना होगा और प्रकृति की रक्षा का प्रण लेना होगा। कई जीवों और वनस्पतियों की अनेकों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। आइए इस बार विश्व प्रकृति दिवस पर इन्हीं प्रजातियों के संरक्षण का संकल्प लें। पेड़ पौधे, फल फूल और सुंदर सुंदर पक्षी और जानवर जो हमारा मन मोह लेते हैं, वो हमारे जीवन का आधार भी हैं। लेकिन अगर प्रकृति के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो सबके अस्तित्व के लिए संकट दूर नहीं है। जिस प्रकृति पर आधारित है हमारा जीवन, आइए उसे सुरक्षित रखने में सब एक साथ हो जाएं। इस विश्व प्रकृति दिवस पर हम प्रकृति के संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लें। पौधारोपण करें, धरती पर हरियाली बढ़ाएं, क्योंकि ये हरियाली सिर्फ खूबसूरत दृश्य के लिए नहीं, बल्कि धरती पर सांस चलती रहे और धरती की भी सांस चलती रहे, इसलिए जरूरी है। सब बातों का सार यही है कि अगर हम प्रकृति को संरक्षित करेंगे तो प्रकृति अपनी गोद में हमें सदैव सुख देती रहेगी। विश्व प्रकृति दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।